नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी फर्स्ट 7 लेक्चर्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए, फिर आइए, फिर हम आपसे बोलेंगे अतिथि देवो भव। और उसके बाद 8वें लेक्चर से हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू किया है। इन दिस 9th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज वी आर गोइंग टू बिगिन अवर टॉपिक विद द टॉपिक ऑफ स्क्रबर। स्क्रबर वो डिवाइस है, वो यंत्र है, वो सेटअप है जिसके मदद से हम लोग हवा में से, पॉल्यूटेड एयर में से कचरा निकाल सकते हैं और पॉल्यूटेड एयर में से गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं। अब एक स्क्रबर का सेटअप में क्या क्या देखोगे बेटा तुम? स्क्रबर के सेटअप में सबसे पहले तुम देखोगे ये वाला सेटअप, इसके अंदर आग लग रही है, इसको हम बोलेंगे बॉयलर। ओके, अब ये बॉयलर से जो गैस निकलेगी ना बाहर बेटा, उसको बोलने का फ्लू गैस। ओके, और इस फ्लू गैस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा। अब ये फ्लू गैस, ओके, अब बॉयलर क्या है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में तुम सब जानते हो कि बड़े बड़े कारखाना में, ओके, जब तरह तरह के सब्सटेंसेस को जलाया जाता है बेटा, ओके, तो फ्लू गैस, उसमें से जो गैस निकलती है उसको फ्लू गैस बोलेंगे बेटा। उस फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड है। अब ये फ्लू गैस जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, जब इस चेंबर में आता है तो यहाँ ऊपर देखो ब्लू कलर का ऐसा कटोरी नहीं होता उल्टा शावर जैसा बेटा, ओके, ऐसा बहुत सारा शावर जैसा सेटअप है बेटा। और उसमें से ना क्या निकलता है, उसमें से लाइम वाटर निकलता है। लाइम वाटर यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO+H2O। ओके, और ये सब जो ऐसा शावर जैसा है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे स्प्रेयर। तो जैसे ये फ्लू गैस यहां से इस चेंबर से होते हुए यहां को आती है ना, तो ये सब में से, ये स्प्रेयर में से लाइम वाटर निकलने लगता है बेटा। ओके, अब वो लाइम वाटर जब इस गैस के साथ रिएक्ट करेगा, सो अल्टीमेटली यहां नीचे की तरफ क्या जमा होगा, यहां जमा होगा CaSO3 विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, and this lower chamber is called as collecting tank. फिर बची कुची जो गैस है ना वो यहां से निकल जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे, this is treated flue gas, and this entire chamber is called as smokestack. तो बच्चों देखो, इसमें एक ही बात समझने जैसी है कि बॉयलर में से जो भी खराब गैस निकलती है, पॉल्यूटेड गैस निकलती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा। ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला फ्लू गैस जब यहां आता है तो इसके ऊपर लाइम वाटर स्प्रे किया जाता है बेटा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा, इट गिव्स दिस बाय प्रोडक्ट जो नीचे जमा होता है, और बची कुची गैस को फिर बाद में रिलीज करवा दिया जाता है बाहर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेटअप ऑफ स्क्रबर। ये जो स्क्रबर है, यहां पे द गैस इज मेड टू रिएक्ट विद वेट मटेरियल दैट इज लाइम वाटर। ऐसे भी स्क्रबर होते हैं जहां पर हम लोग उसको ड्राई मटेरियल के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। इसमें देखो कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है बेटा, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गैस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड नाम की बुरी गैस है, वो सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर से रिएक्ट करवा के प्रेसिपिटेट करवा देंगे और बाकी बची साफ गैस को बाहर रिलीज करवा देंगे। दैट इज हाउ दिस डिवाइस स्क्रबर वर्क्स अपॉन बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं बेटा, ओके, आप पिछले वीडियोस में जाके देखिए, सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया है। यहां पर अब हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के कायदे और कानून को पास किया है बेटा। हमारे भारत में जो कायदा कानून पास किया है उसको हम लोग बोलेंगे भारत स्टेज 2 से लेकर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। अच्छा बेटा, नॉर्म्स का मतलब होता है कायदा कानून। ये ना यूरो नॉर्म्स की तरह है, यानी बाहर के देश में जो कायदा कानून होता है। भाई देखो, एयर पोल्यूशन है तो गाड़ी में से कितना धुआं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, गाड़ी का सर्विसिंग कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कारखाने को किस तरह से कितना टाइमिंग देना चाहिए, उसमें क्या क्या फ्यूल जलाना चाहिए, ये सब के कायदे कानून बनाए जाते हैं बेटा, उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं। और हमारे इंडिया में जो कायदा कानून चलता है एयर पोल्यूशन को लेकर, दैट इज कॉल्ड एज भारत स्टेज 2
से लेकर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। अब ये पास किया गया था फ्रॉम द ईयर 2001 टू द ईयर 2017। ओके, तो ये अच्छे से बाय हार्ट कर लो बच्चों, बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दैट मींस प्राइम मिनिस्टर क्लीन फ्यूल प्रोग्राम। क्या बोल रहे हैं इसको? क्लीन फ्यूल प्रोग्राम। सो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लीन फ्यूल प्रोग्राम पास किया था और इस प्रोग्राम के तहत 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस दिए गए थे। ओके, टू वुमेन्स बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये क्या है? दिस इज प्राइम मिनिस्टर क्लीन फ्यूल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम, इस योजना के तहत 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो गैस का पाइपलाइन कनेक्शन 50 मिलियन औरतों तक पहुंचाया गया था बेटा। और ये औरतें जो हैं ये बीपीएल कैटेगरी की हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ओके, सो इन औरतों को एलपीजी कनेक्शंस अवेलेबल करवाया गया था, क्योंकि ये औरतें काफ़ी ज़्यादा गरीब होती हैं, इनके घर परिवार में ये चूल्हा जलाती हैं, और चूल्हा के चक्कर में, तुमने देखा है ना गांव में चूल्हा जलाते हैं फिर उसको फूंकते हैं बेटा, वो चूल्हा के चक्कर में लकड़ा है ना पूरी तरह से जलता नहीं है। इसको हम लोग हमारे बायोलॉजी में बोलते हैं इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, दैट इज इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ वुड। वो लकड़ा पूरी तरह से जब नहीं जल पाता है ना, तो उसमें से एक जहरीली गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से फेफड़ा खराब होता है, इसके वजह से कैसे ना लंग्स खराब होते हैं, इसके वजह से बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचने की जो पूरी नॉर्मल प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो इन औरतों को कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना पास की थी, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्लीन फ्यूल प्रोग्राम। 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन दिया था, भूलना नहीं तू बेटा। अच्छा, उसके बाद हम ये याद रखेंगे कि भारत स्टेज 2 नॉर्म वॉज अडॉप्टेड इन 2001 और भारत स्टेज 6 नॉर्म वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 2018, स्किपिंग भारत स्टेज 5 नॉर्म्स। इसको अच्छे से याद कर ले बेटा। ओके, राइट, सो स्टेज 2 2001 में पास किया था, और 2001 में ये कायदा कानून किसके लिए वैलिड था? दिस वाज वैलिड फॉर ऑल दोस व्हीकल्स हैविंग एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड बेटा सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो उसके लिए 2001 में भारत स्टेज 2 नॉर्म पास किया था। उसके बाद भारत स्टेज 6 को हमने अडॉप्ट किया 2018 में। याद रखना, भारत स्टेज 5 करके कोई नॉर्म्स नहीं है, उसको स्किप किया है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की तरफ। अब कहानी है दिल्ली की। दिल्ली जानते हो ना बेटा, दिल्ली में जबरदस्त स्मॉग हुआ था 1 से लेके 9 नवंबर 2016 में। अच्छा, स्मॉग क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा, स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग। जब ठंड रहती है ना बेटा, ओके, वो कोहरा छा जाता है, सफेद कलर का तुमको ऐसा पूरा धुंधला सा क्लाउड जैसा दिखता है, उसको फॉग बोलते हैं बेटा। वो फॉग के साथ सोचो अगर काला धुआं मिक्स हो जाए, प्रदूषित हवा मिक्स हो जाए, तो स्मोक और फॉग साथ में मिलाकर उसको स्मॉग बोलते हैं। दिल्ली में सबसे जबरदस्त स्मॉग हुआ था फ्रॉम 1st to 9th of November इन द ईयर 2016। तभी एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया था दिल्ली में, एयर पोल्यूशन अपनी ऊंचाई पे था बेटा। सो एयर पोल्यूशन वॉज एट इट्स पीक,
and the peak level of air pollution was ranging from 2.5 PM particulate matter to 10 particulate matter. ओके okay? और ये दिल्ली की सबसे वर्स्ट हवा थी. दिस वॉज द वर्स्ट एयर पोल्यूशन सिंस द ईयर 1999. बच्चों समझो, देखो एयर पोल्यूशन कितना बड़ा इशू हो गया बेटा. ओके राइट, सो 1999 से लेके अब तक दिल्ली में सबसे बुरा एयर पोल्यूशन का लेवल था. ये समझे सब लोग? ओके फाइन, चलो मूविंग ऑन. अब ये एयर पोल्यूशन को अगर हम रोकें तो कैसे रोकें? इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके वजह से तरह तरह की बीमारी होती है. वो बीमारी कैसे होती है उसका एक छोटा सा मैकेनिज्म है बेटा. होता ये है कि कोल्ड वेदर यानी ठंडा क्लाइमेट एंड स्टैग्नेंट विंड, स्टैग्नेंट यानी जो अपने जगह पर ही है, यानी हवा अगर हवा चल नहीं रही है यहां से वहां, राइट द विंड कीप्स फ्लोइंग बेटा, पर अगर हवा वहीं की वहीं है तो कोल्ड वेदर और स्टैग्नेंट विंड क्या करते हैं ना, एटमोस्फियर से स्मोक के साथ कंबाइन हो जाते हैं. अब ये स्मोक, ये धुआं कहां से निकलेगा बेटा? ये धुआं निकलेगा फायर क्रैकर्स की वजह से. फेस्टिवल्स में हम लोग पटाखा ये सब फोड़ते हैं ना बेटा, एक्चुअली ये सब बायोलॉजिकली गलत है. आइडियली हमको एक बात समझ जाना चाहिए कि फेस्टिवल का इंटेंशन कुछ और होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी सो लाउड इन फेस्टिवल्स दैट यू डिस्टर्ब नेचर एंड यू कॉज एयर पोल्यूशन. ये गलत बात है बेटा. ओके सो फायर क्रैकर्स से जो स्मोक निकल रहा है वो, और तो और हम लोग गार्बेज जला देते हैं, कचरा जला देते हैं बेटा. ओके फिर गाड़ी में से, व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है वो बेटा. ओके अब ये सब धुआं ना इन हवाओं के साथ मिक्स हो जाता है और फिर ये जो पोल्यूटेड एयर है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? इसके वजह से लोगों को अस्थमा हो सकता है. ओके लोगों को तरह तरह की एलर्जी हो सकती है. अस्थमा में क्या होगा पेशेंट को? अस्थमा में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी बेटा. एलर्जी में क्या हो सकता है? नाक से पानी आ सकता है, आंख से पानी आ सकता है, आंखों में खुजली हो सकती है. ओके इरिटेशन हो सकता है बेटा. ओके सो एलर्जी कैन कॉज इरिटेशन इन आईज. Some of the patients they experience a severe chest muscle contraction. अब बेटा बात ऐसी है कि इस एयर पोल्यूशन को इसीलिए हमको रोकना चाहिए, नहीं तो ये तरह तरह की ना बीमारियां हो सकती है बेटा. ओके इट कैन अफेक्ट योर लंग्स, इट कैन अफेक्ट योर स्किन, इट कैन अफेक्ट योर आईज ऑल्सो बेटा. अब पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाती है? सो गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट को कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ता है. सो जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर शट डाउन. अब स्टूडेंट होने के नाते तुमको तो अच्छा लगेगा, अरे वाह स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया, मजा हो गई, छुट्टी हो गई, पर ये गलत है बेटा. कितना ज्यादा लर्निंग का, कितने ज्यादा एजुकेशन का नुकसान होता है अगर स्कूल 7 दिन 10 दिन भी बंद है, राइट? तो उतने दिन की जो पढ़ाई है उसका नुकसान होता है. और ये नुकसान क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ता है क्योंकि वहाँ गर्दी बहुत ज्यादा होती है. एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ ना ये एयर भी है ना, मतलब जैसे हम स्कूल में कैसे टिफिन लेके जाते थे बेटा, क्यों? खाना खाने के लिए. पानी की बोतल ले जाते थे, क्यों? पानी पीने के लिए. वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा. सो जैसे बीच में एक टाइम मिलता था ना हमको, ब्रेक रिसेस मिलता था, जहाँ हम लोग टिफिन खाते थे, पानी पीते थे, राइट? ओके वैसे एक और पीरियड होगा ऑक्सीजन लेक्चर का, जहाँ पे तुम लोग सिर्फ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खोल के सिर्फ साफ ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए तुमको प्योर एयर मिलेगा, बाकी सारे घंटे दिन के तुमको दूषित हवा मिलेगी. क्यों? इंसान कुदरत को नुकसान पहुंचा रहा है. ओके सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर शट डाउन. अच्छा और तो और अलोंग विद दिस व्हाट दे हैव टू डू इज द गवर्नमेंट हैज टू स्टॉप ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है और बिल्डिंग डिमोलिशन, डिमोलिश करना यानी पुरानी बिल्डिंगें जो होती है उसको गिरा देते हैं बेटा.
सो एक कंस्ट्रक्शन का काम है, डिमोलिशन का काम है, ये सबको स्टॉप करवा दिया जाता है। अच्छा, और तो और हम लोग क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? वी कैन डू वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ रोड। ओके, रास्ते पर जितनी भी धूल मिट्टी है ना, उसको वैक्यूम क्लीनर की मदद से एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये धूल मिट्टी भी उड़ती है और इसके हिसाब से भी पोल्यूशन होता है बेटा। सो वी कैन फॉलो वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ रोड। और तो और व्हाट यू कैन डू एट योर लेवल इज यू शुड यूज मच ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेन और बस का इस्तेमाल करना चाहिए बेटा। ओके, क्योंकि सोचो ना, अगर 10 लोग अपनी खुद की गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो रास्ते पर 10 गाड़ियां हो जाएंगी, और ये 10 गाड़ियों की वजह से, 10 व्हीकल्स की वजह से कितना पॉल्यूशन होगा। और तो और जगह भी ऑक्यूपाई करेगा, हॉर्न भी बजाओगे, नॉइज पॉल्यूशन भी होगा, गाली गलौज भी करोगे, उसमें भी मजा लोगे बेटा, तो गलत बात है ना, राइट? तो इससे बेटर है ये 10 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस या ट्रेन में ट्रैवल करें। सो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हो बाहर, चलो तो तुम करो कार पूलिंग। कार पूलिंग होता है, स्कूटर पूलिंग होता है। अब कार पूलिंग कैसा है, समझो फॉर एग्जांपल तुम और तेरा पड़ोसी, तुम लोग दोनों है ना एक ही जगह काम करने जाते हो, तू भी अपना गाड़ी लेके जाता है, वो भी अपना गाड़ी लेके जाता है। सो इससे तो बेटर है ना, तू अपना गाड़ी लेके जा, उसको बोल तू मेरे ही गाड़ी में आकर उस जगह तक हम लोग गाड़ी शेयर कर लेते हैं, और कल क्या करेंगे कि कल तेरे गाड़ी में हम लोग दोनों बैठ के जाएंगे। इसको बोलते हैं कार पूलिंग, जहाँ पूलिंग का मतलब होता है शेयरिंग। आप शेयर करो ना, अगर आप शेयर करोगे तो कैसा होगा, देखो, एक तुम्हारा खुद का पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा, दूसरा तुमको जाना तो एक ही जगह पर है, और तुम लोग दोनों अगर जान पहचान के लोग हो तो इट इज़ लॉजिकल कि तुमको एक ही गाड़ी में जाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अच्छा, और तीसरा क्या होगा, कुदरत का भी तो फायदा होगा ना, एयर पोल्यूशन नहीं होगा बेटा। वैसे स्कूटर पूलिंग कर सकते हैं, तू और तेरा पड़ोसी एक ही जगह जा रहा है, वो अपना स्कूटर लेके जा रहा है, तू अपना स्कूटर लेके जा रहा है, वो अपनी अकड़ में जा रहा है, तू अपनी अकड़ में जा रहा है, वो गा रहा है, तू भी गा रहा है, धूम मचा ले। नहीं, ऐसा धूम नहीं मचाने का बेटा, एक ही स्कूटर पे दोनों जन जाने का, ताकि स्कूटर पूलिंग हो सके और नेचर में पोल्यूशन कम हो सके बेटा। ओके, सो दैट इज कार पूलिंग एंड स्कूटर पूलिंग, इसका फॉलो करना बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा, एयर पोल्यूशन कई बार इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट दी बदरपुर थर्मल पावर प्लांट, बदरपुर की एक फैक्ट्री है थर्मल पावर प्लांट, उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था बेटा, क्योंकि बदरपुर थर्मल पावर प्लांट वॉज टेम्पोरेली क्लोज, कुछ समय के लिए उसको बंद करना पड़ा बेटा। ओके, राइट, इसलिए ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घूम फिर कर हम ही को नुकसान पहुंचाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नॉइज पोल्यूशन के टर्म में हम एक बात याद रखेंगे कि प्लेइंग लाउड स्पीकर्स एट पब्लिक प्लेस इज बैंड आफ्टर 10 PM। अब ये कायदा कानून बन गया, रात 10 बजे के बाद आप पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो, और अगर आपने बजाया तो आपकी बैंड है, बैंड है यानी लाउड स्पीकर बैंड है, आपकी बैंड है यानी आपकी बैंड बजेगी। ओके, क्योंकि कायदा कानून स्ट्रिक्ट हो गया है बेटा, अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके, सो लाउड स्पीकर एट पब्लिक प्लेस इज बैंड आफ्टर 10 PM, रात 10 बजे के बाद। दूसरा, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट was passed in which year? It was passed in the year 1981. और फिर इस एक्ट को अपडेट किया, इसमें और पॉइंट्स जोड़े गए, इसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। सो दिस एक्ट वॉज अमेंडेड इन द ईयर 1987, और उस अमेंडमेंट में ये लोग ने क्या किया, उस अमेंडमेंट में नॉइज पोल्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया बेटा। सो नॉइज पोल्यूशन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन, सो नॉइज पोल्यूशन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट? सो ये डेट्स अच्छे से मेमोराइज कर लो। चलो बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए
ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इस लेक्चर का सबसे अहम वाला हिस्सा था स्क्रबर. हम लोग आने वाले लेक्चर में वाटर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज के बाकी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे. अगर आपको कभी भी लग रहा है कि कोई पॉइंट या पैराग्राफ स्किप्ड है, पिछले सारे वीडियोस को पहले ध्यान से जाकर देखो, उसमें सारे बेसिक पॉइंट्स पहले कवर किए गए हैं. ओके, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स धीरे धीरे कवर कर रहे हैं. तब तक के लिए पॉल्यूशन कम करो. ओके, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो. थैंक यू.